अगर अब मैं देखूँ सपोज अभी तक मैं OSPF रन कर रहा हूँ एंड राउटर टू पे जाऊँ, तो राउटर टू ने लेबल अटैच किया होगा फॉर दी प्रीफिक्सेस व्हिच इज दिस लर्निंग फ्रॉम द कस्टमर। सो शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल, देखो इसमें लग सकता है या स्पीकर हो सकता है, हो सकता है लग सकता है। वो निकल जाएगा केवल, वो बीजीए केवल निकालना पड़ेगा या फिर इसी को लगा दो यहाँ पे। हाँ ठीक है, डुप्लीकेट यहाँ पे चलेगा। आप भी कर सकते हो केबल, पावर कोड है इसकी, पावर कोड है। वाओ इसमें तो पावर कोड ही नहीं है। इसमें जो प्रीफिक्स है जो राउटर वन ने भेजा है विच इज़ दिस वन 172.16.1.1, इसके लिए इसने लोकल लेवल लगाया था 200। तो बाय डिफॉल्ट LDP जो भी IGP से प्रीफिक्स रन करेगा IPv4 की उसके लिए तो लेवल लगा देगा, बट अगर ये लर्न कर रहा है BGP प्रीफिक्सेस सो देन LDP इसको लेवल नहीं लगा पाता तो अभी ये वैसे रन कर रहा है। IGP थ्रू रन कर रहा है। हाँ जी, तो मैं क्या करूँगा R1 पे जाके OSPF को कर दूंगा रिमूव। Router 2 is now is not learning any prefix with 1.1. अभी भी है इसके पास। Clear IP OSPF process. Show IP route. Okay, so 1.1 इसके पास नहीं है। रिटेन करता है ये क्लियर MPLS LDP। हाँ बिकॉज LDP सब पे रन हो रहा है। हेलो हेलो,
यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ BGP प्रोसेस राउटर BGP 1 ओके नेबर 172.16.12.2 रिमोट AS नंबर 27 ठीक है दिस इज EBGP सेशन और टू एडवर्टाइज जो भी इसके पास नेटवर्क है उसको अनाउंस करने के लिए रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड BGP में डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2 वन ने 2 के साथ नेबरशिप बनाया तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ राउटर 2 पे I do not want to run OSPF on the link facing towards customer side पे मैं OSPF के प्रोसेस को रिमूव कर रहा हूँ राउटर OSPF रन कर रहा हूँ नेटवर्क है 172.16.2.2 ये इसका लूप बैक है दिस इज द एरिया 0 172.16 जो लिंक जा रहा है 2 से 3.23 है 2 से 3.23 पे 23.0 0.0.0 ये वाइल्ड गार्ड है और दिस इज द एरिया 0 ठीक है MPLS LDP ऑटो कॉन्फिग एरिया 0 ये पे चल रहा है OSPF शो MPLS इंटरफेसेस ओनली ऑन द लिंक फेसिंग टू द कोर साइड इज ओनली LDP नॉट द कस्टमर लिंक सो राउटर BGP यहाँ पे रन किया मैंने BGP नंबर 27 देन EBGP नेबरशिप टुवर्ड्स R1 व्हिच इज 12.1 इंटरफेस का आईपी ना हाँ जी हाँ जी डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी लूपबैक सब नहीं करता ये EBGP नेबर बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर रहता है दैट इज BGP जो ओपन पैकेट सेंड करता है विद TTL1 तो नेबर शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए अदरवाइज वो बिहेवियर चेंज करना पड़ता है विद मल्टी होप तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कनेक्टेड EBGP नेबरशिप बना रहा हूँ टू AS नंबर 1 ठीक है बिकॉज वहाँ पे मैंने नेबरशिप कमांड दी है तो इट विल डिस्कवर नेबरशिप और विल लेट यू नो दैट नेबरशिप इज अप ओके तो अभी इसने क्या किया शो IP BGP समरी इसने दो प्रीफिक्सेस लर्न किया जो कि इस राउटर ने अनाउंस किया था शो IP BGP ये वाली प्रीफिक्स आई एम लर्निंग थ्रू दी ये इसका लूपबैक कर रही हाँ जो ये लूपबैक IP है बिहाइंड दी R1 एक लूपबैक IP है और एक उसका इंटरफेस का हाँ जी हाँ जी शो MPLS IP बाइंडिंग 1.1 पे आउट लेवल दिखा रहे थे हाँ इसने कोई लोकल लेवल नहीं लगाया आउट लेवल अच्छा वहाँ पे कैसे है ये प्रीफिक्स अभी तक इसके पास वहाँ भी है प्रीफिक्स 1.1 पे आउटगोइंग लेवल है 300 वो कौन सा दूसरा वाला कौन सा आईपी था 1.2 भी तो है नहीं अब आपके पास ये है शो देखो 12.show MPLS IP बाइंडिंग है हाँ रिमूव हो गया ओके सो इट इज नॉट शोइंग दैट द प्रीफिक्स व्हिच इज लर्न बाय द BGP शो IP राउट ये प्रीफिक्स BGP ने लर्न किया है इसका 172.16.1.1 सिमिलरली आई विल गो टू अदर साइड 7 और 8 के बीच में EBGP नंबरशिप बनेगा सो फर्स्ट गो टू 8 remove OSPF no router OSPF 1 router BGP number 8 इसी और पूछ रहा मुझे ये वहाँ पे तो उसने वो MPLS ने लर्न नहीं किया नहीं MPLS ने लर्न नहीं किया प्रिफिक्स और मतलब MPLS ने उसको लेवल से डाले हाँ बट जो IGP है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्या IGP यहाँ पे क्या करेगा सिर्फ
अंदर आई बीजेपी के साथ मेंबरशिप बनाएगा आईबीजेपी, तो उसके लिए आईजीपी आप रन कर रहे हो टू प्रोवाइड रीचेबिलिटी टू द नेक्स्ट ऑफ आईपी ऑफ द बीजेपी। लेकिन ये वाला जो है बीजेपी का जो आईपी है, ये वाला जो 1.1 है वो आरसी वगैरह पे रन भी नहीं होगा राइट? नहीं हां करेक्ट। हां क्योंकि उसके लिए बीजेपी फ्री बन रहा है। हां क्योंकि आईजीपी चलाना पड़ेगा उस पे राइट, तो अगर उसको आप प्रीफिक्स का आगे भेजना है तो यहां पे आप एमपीएलएस चला रहे हो, सर आईबीजेपी रन करना पड़ेगा ना उसके लिए टू रीच आई आई आरसी वगैरह पे। आईजीपी आईजीपी क्यों चाहिए मुझे? बिकॉज मैं बनाऊंगा सेशन 2 से लेके 7 तक राइट। कौन सा बनेगा आईबीजीपी सेशन राइट, यहाँ पे एक लुक बैक होगा 172.16.7.7 ठीक है। अब आईजीपी क्यों चाहिए? क्योंकि राउटर 2 इसको पिंग कर सके सो दैट बीजीपी कैन मेक नहीं वो समझ गया वो तो पता है मुझे। मैं ये बोलूँ अगर अभी क्या है ये वाला जो 1.1 है अभी आर 2 पे जाके रुक गया है। हाँ जी क्योंकि एलडी उसको लेबल नहीं असाइन हुआ। मेरा पहला क्वेश्चन था ये 1.1 थ्रू आईजीपी आईजीपी ओएसपी पे रन हो रहा है ऑन बिटवीन आर 2 एंड आर 3, वो आर 3 पे जा रहा होगा क्या? मुझे भेजना है तो बेसिकली आईबीजीपी रन करना पड़ेगा राइट, तो मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी बीजीपी प्रीफिक्स ओएसपी तब जाएगा राउटर पे। ओके राइट। अच्छा रीडिस्ट्रीब्यूट आईबीजीपी के थ्रू भी भेज सकता हूं और रीडिस्ट्रीब्यूट करके भी भेज सकता हूं। रीडिस्ट्रीब्यूट रीडिस्ट्रीब्यूट करके ही जाएंगे ओएसपीएफ में, अदरवाइज उस पे आपको कुछ नहीं पता बीजेपी के बारे में। आईबीजीपी सेशन तो बना सकता हूं ना मैं दोनों को, आईजीपी आईबीजीपी आईबीजीपी सेशन बन जाएगा किस किस बीच में, मतलब आर2 और आर3 के बीच में वो तो, और आर2 बन जाएगा आर2 के जितने भी प्रीफिक्सेस लर्न कर रहा है आर1 से वो उधर भी सकता है। अगर अगर मैं एमपीएलएस रन नहीं कर रहा होता तो फिर मैं आईबीजीपी चलाता सारे के सारे राउटर में पी राउटर में और जो आईबीजीपी लर्न करते रहते और फिर आगे देता उसको। फिर आप बोल रहे हो ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करते तो भी वो हाँ जा सकता, वो एक दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका है। अगर आप अगर आप यहाँ पे बीजेपी रन नहीं करना चाहते हाँ। तो आप करोगे रीडिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट रिकमेंडेड नहीं है बिकॉज द केस क्या आता है कि एक तो आपका ओएसपीएफ इज नॉट कैपेबल टू होल्ड मोर देन 10,000 रूट। अगर मुझे पूरा का पूरा बीजेपी टेबल ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो ओएसपीएफ जो प्रोसेस है वो क्रैश हो जाएगा, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट तो करते नहीं है। अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करता भी हूँ और मेरे पास मल्टी होम डिजाइन है, ड्यूअल होम डिजाइन है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में सब ऑप्टिमम राउटिंग आती है, सब ऑप्टिमम केसेस, बिकॉज बीजीपी का आपका एडी होगा 20 और ओएसपीएफ का एडी होगा 110। तो अगर मुझे ट्रैफिक अंदर से भेजना है तो अंदर से नहीं जाएगा, वो सीधा बाहर ही जाएगा, तो सब ऑप्टिमम इश्यू आते हैं, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिकमेंडेड। इसलिए बीजीपी रन करते हैं रादर देन डूइंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन से तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और बढ़ेगी। ठीक है, तो राउटर 8 ने नेबरशिप बनाना चाहता है विद R7 विद द आईपी एड्रेस 78.7 और ये रिमोट AS है 27। ये भी अपनी प्रीफिक्स को जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर 8 के पास वो अनाउंस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ BGP। 7 पे चलो, माउस पे हटाना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे जो लिंक है एक 2 पे नेटवर्क है 172.16.7.7 ये लूप बैक है, दिस इज द मेंबर ऑफ एरिया 0 172.16.67.0 है, दिस इज द लिंक फेसिंग टू R6 और ये भी एरिया 0 का मेंबर है। MPLS के लिए मैं LDP रन कर रहा हूँ टू ऑल द लिंक विच इज द मेंबर ऑफ एरिया 0। देन यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा बीजीपी प्रोसेस विद दी AS नंबर 27, नेबरशिप बनेगी विद 172.16.78.8 विद रिमोट AS नंबर 8। ओके सो दिस विल मेक ईबीजीपी नेबरशिप। नाउ आई नीड टू बी बिल्ड आईबीजीपी नेबर विद राउटर 2 लूप बैक इंटरफेसेस एंड राउटर 2 लूप बैक मैं लर्न कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ओएसपीएफ। सो बीजीपी जो सेशन बनाता है दैट इज यूजिंग टीसीपी पोर्ट नंबर 179। सो नेबर 172.16.1.2.2 आईबीजीपी नेबर 7 और 2 के बीच में एज और एज के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप बनेगी।
so that BGP can send root information same AS runner here. Within the same AS, yes. So because I have the reachability to this IP address 172.16.2.2 sourcing from 16.7.7. So then I can build TCP session. So neighbor 172.16.2.2 remote AS mera hoga 27. This is IP session. Ab because main this is my IBGP neighbor, it is always recommended use next hop self, otherwise it will use the EBGP next hop IP, or agar wo reachable nahi hai to kabhi bhi wo root best nahi banega. I need a next hop self, best recommended command for all the IBGP neighbor. Third, because I'm making the session with loopback interface, right. So by default BGP kya karta hai, jo source IP hoga that will be the physical IP address outgoing. तो यहाँ पे मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इफ यू वांट द बीजीपी सेशन देन यूज अपडेट सोर्स लूपबैक 0. सेम थिंग मुझे राउटर 2 पे करनी है. सो राउटर बीजीपी, अगर मैं यहाँ पे 2 रन करता हूँ दिस विल लेट मी नो दैट ओके बिकॉज यू कैन ओनली रन वन प्रोसेस. तो आप पहले से ही रन कर रहे हो तो you cannot run more than one. 27 यहाँ पे रन हो रहा है. सर नेबर 172.16.7.7 रिमोट AS नंबर 27 एंड सिंस दिस इज माई आईबीजीपी नेबर आई नीड नेक्स्ट ऑफ सेल्फ. अपडेट सोर्स इज ओनली रिक्वायर्ड फ्रॉम द वन साइड बिकॉज द TCP सेशन है वो एक साइड ही, दोनों इंस्टलाइज करते हैं पर एक ही सेशन बनता है, एक अपने आप टर्मिनेट होता है. बट इट इज़ गुड टू सेंड अपडेट सोर्स ऑन द बोथ साइड. ओके सो अब मेरे पास नेबरशिप तो बन गई है. आई वॉन्ट टू सी द शो MPLS IP बाइंडिंग. जो भी मैंने प्रीफिक्स BGP से लर्न किया उसके पास कोई यहाँ पे लेबल नहीं है. ठीक है 1.1 और 1.1 आई एम लर्निंग फ्रॉम AS नंबर 1 और 7. ये 8.8 आई एम लर्निंग फ्रॉम AS नंबर 8. ठीक है बट इनके लिए 8.8 शो MPLS फॉरवर्डिंग टेबल. 1.1 और 8.8 के लिए कोई भी लेबल नहीं है. BGP इनको लेबल नहीं लगा पाता. सॉरी LDP इज नॉट केपेबल टू अटैच लेबल फॉर BGP प्रीफिक्सेस. सो यू हैव द कमांड हियर शो BGP लेबल. सो बिकॉज आई एम नॉट रनिंग एनी BGP लेबल, एनी फ्लैग आई एम नॉट अटैचिंग सो फार. यू कैन सी इट इज लर्निंग BGP प्रीफिक्सेस but there is incoming is no label, outgoing is no label. Now to attach the label I need the one extra command to instruct my neighbor that router BGP only for IBGP neighbor because label jo propagation ho rahi hai in the MPLS store ho rahi hai. So main jaunga process ke andar, then my neighbor is 172.16 7.7 and then I have a command send label. This command need to be activated to attach label for BGP learn prefixes. Okay. Similarly I have to be say this on the other side. 7 pe go to the BGP process router BGP number 27 neighbor 172.16 2.2 the command is send label. This will activate now or attach label for BGP learn prefixes. So then if I go back to the router 2 is session ke liye kar raha hai IBGP connectivity ke liye karega sir label send right not for the EBGP
अभी अभी क्या करेगा, जो भी प्रीफिक्सेस इसने लर्न किए हैं बीजीपी प्रीफिक्सेस उनके लिए लेबल लगा, अच्छा वो सबके लिए कर देगा यूजीपी। हाँ लोकल दोनों राउटर लगाएंगे लोकल लेबल, भेज देंगे अपने नेबर को, ये लगाएगा लोकल लेबल भेज देंगे अपने नेबर को, लेकिन ये बीच वाले को नहीं पता रहेगा, बीच वाले को कुछ नहीं पता। सो यहाँ पे अगर मैं राउटर नंबर 3 पे जाऊँ, सो 3 को तो कुछ पता ही नहीं है अबाउट, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग एनी, सो इसको तो पता ही नहीं है वेर इज 1.1 वेर इज 8.8, दिस इज बी जी पी फ्री, ये सिर्फ ओ एस पी एफ प्रीफिक्स को ही जानता है। यहाँ पे राउटर 2 पे गए, तो यहाँ पे टनल होके जा रहा होगा। हाँ ये टनल है, दिस इज कॉल्ड एमपीएलएस बीजीपी टनल, तो टनल बन रही है एलएसपी के थ्रू, एलएसपी टनल बना रहा है। ये जब जाएगा तो ये भी तो लेवल स्विच पास होगी जाएगा ना, ये जब हाँ, उसको भेजेगा। अब यहाँ पे दो लेवल लगेंगे, देखो एक बॉटम लेवल होगा एक टॉप लेवल होगा, तो जो नेक्स्ट हॉप के लिए राउटर टू 7 पे जाने के लिए एलडीपी लेवल यूज करेगा, ठीक है, बट बीजीपी प्रीफिक्स के लिए वो बॉटम लेवल होगा, वो कहाँ पे प्रोसेस होगा, सिर्फ एच पे। नहीं समझ नहीं, पहले क्या होगा आपको बीजीपी का लेवल आएगा, फिर उसके बाद वो वाला लेवल आएगा, ऐसे एमपीएस का लेवल आएगा, ऐसे जो आपके बीजीपी के जो प्रीफिक्स हैं हां उनके लिए लेवल लगाएगा बीजीपी प्रोटोकॉल, ओके, और जो बीजीपी कहां पे रन हो रहा है सिर्फ एच पे हो रहा है, हां तो जो बीजीपी या पी राउटर में तो चल नहीं रहा, तो एक लेवल लगेगा बीजीपी प्रीफिक्सेस के लिए, ये हो गया बॉटम लेवल, हाँ, और दूसरा लेवल लगेगा बिकॉज मुझे ये यहाँ भी पहुंचना है नेक्स्ट स्टॉप आईपी तक पहुंचना है बीजीपी नेक्स्ट स्टॉप के लिए, वो लगेगा टॉप लेवल, तो टॉप लेवल लगा रहा है एलडीपी और बॉटम लगा रहा है आपका बीजीपी, तो टॉप लेवल वो तो आरसी वगैरह में दिखेगा राइट, वो जाते हुए आप हमें दोनों लेवल दिखेंगे यहाँ पे, शो एम पी एल एस क्या कमांड थी वो, शो आई पी बी जी पी लेबल, यहाँ पे लेबल लगा रहा है ना, तो 207 लगा रहा है, ये प्रीफिक्स इसने लर्न की, तो इसने इसके लिए इसने लोकल लेबल लगाया, इसके लिए लोकल लेबल लगाया, अब ये 207 क्या बनेगा, आउटगोइंग लेवल इन द अदर साइड, अगर मैं 7 पे जाता हूँ तो लोकल इसने लेवल लगाया भेज दिया अपने नेबर को, ठीक है, नेबर के लिए बनेगा ये आउटगोइंग लेवल, ठीक है, उसमें 70 जैसे इसने 70 लगाया रहा है, हाँ यहाँ पे इसने, हाँ ये करेक्ट, इसने 7888 वाला ना, ये 888 के लिए इसने 703 लगाया, ये आउटगोइंग लेवल है, तो ये किसने भेजा, ये 7 ने भेजा है मुझे 2 के लिए, राइट, तो इस तरह से ये प्रोपागेशन होती है। अब आप बोल रहे हो इसके ऊपर एक और लेवल आएगा राइट, टॉप लेवल है वो, तो टॉप लेवल एलडीपी लेवल का लगा ही हुआ है जो कि नेक्स्ट टॉप के लिए, अच्छा ये नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप आईपी क्या है हमारा 7 1. यस 1. 12.1 तो नीचे साइड का है 1.172.16.7.7, तो आईबीजीपी सेशन बन रहा है ना, कैसे बन रहा है नेक्स्ट ऑफ आईपी से, नेक्स्ट ऑफ आईपी के लिए भी तो लेवल चाहिए राइट, क्योंकि लेवल प्रोपेगेशन तो हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो एमपीएलएस फॉरवर्डिंग है 7.7 के लिए लेवल है ये वाला 303 लगाया है राउटर 3 ने, अगर मैं यहाँ पे 3 पे जाऊँ, डीबग एक मिनट आपको बताता हूँ, मैं दो लेवल देखने ना आपको वही बता रहा हूँ, डीबग आई पी एम पी एल एस, डीबग आई पी नहीं डीबग एम पी एल एस पैकेट, और अगर मैं यहाँ पे आपको टू लेवल ऑफ स्टैक देखना चाहिए, पहला तरीका है इफ आई गो टू दिस आर वन पे, यहाँ पे मैं सिंपल ट्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बी जी पी की प्रीफिक्सेस होंगी विच इज 8.8, ठीक है यार वहाँ से, अगर मैं इसको ट्रेस करूँ 172.16 8.8 को, लेट मी चेक पिंग फर्स्ट, पिंग 172.16 8.8 source from 172.16.1.1, I want to send only one packet, reachability hai iski, router 3 pe gaye
यहाँ पे देखो दिस इज टू लेवल ऑफ स्टैक, ये आपका बॉटम लेवल है, टू लेवल ऑफ स्टैक। अब कैसे हो रहा है, अब इसको कैसे समझ में आएगा, एक मिनट, आर वन पे जाता हूँ मैं और इसको अब ट्रेस करते हैं, ट्रेस राउट 172.16.8.8 source from 172.16.1.1। ये जो आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देखना, ये जो राइट साइड वाला लेवल है ये बीजीपी लेवल है, दिस इज नॉन बॉटम लेवल, और ये लेफ्ट वाला है आपका एलडीपी लेवल, इसको बोलते हैं टॉप लेवल। तो सेवन ने ये वाली प्रीफिक्स लर्न की, ठीक है, 172.16.8.8, ठीक है, इसने इसको बताया सेवन को, ठीक है, सेवन ने इस प्रीफिक्स के लिए लेवल लगाया विच इज 703, ठीक है, इसने ये बीजीपी प्रीफिक्स है, ये बीजीपी लेवल है, ये बीजीपी लेवल है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉटम लेवल, ठीक है। अब इस बॉटम लेवल को सेवन ने एडवर्टाइज किया विद द हेल्प ऑफ बीजीपी सेशन टू को, आईबी थ्रू आईबीजीपी, राइट, थ्रू आईबीजीपी, थ्रू आईबीजीपी, क्योंकि आईबीजीपी मेंबरशिप है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसने प्रीफिक्स नंबर 172.16.8.8 के लिए लेवल लगा के रखा हुआ इसने 703, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा बॉटम लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि राउटर वन कर रहा है टेस्टिंग टू दिस आईपी एड्रेस, ठीक है। तो राउटर वन ने इसको पिंग पैकेट भेजा, सोर्स इज दिस, डेस्टिनेशन इज दिस। राउटर टू ने क्या किया, इसने देखा कि ओके 888 इज अवेलेबल इन माय टेबल और नॉट, और ये लेबल्ड पैकेट है कि नहीं है, क्योंकि बीजीपी ने इसको लेवल लगा के रखा हुआ है, तो इसने इस प्रीफिक्स के लिए ये लेवल लगा दिया 703, ठीक है, बॉटम लेवल। अब ये बीजीपी का पैकेट हो गया एनकैप्सुलेट विद लेबल पैकेट। अब राउटर टू को ये पैकेट लेके जाना है, कहाँ पे इसको पहुँचाना है, सेवन तक। अब सेवन पे पहुँचने के लिए इसको देखना पड़ेगा बीजीपी का नेक्स्ट स्टॉप क्या है, बीजीपी का नेक्स्ट स्टॉप है 7.7। तो हर थ्री ने लेवल लगाया सपोज सेवन के लिए 301, इसने लेवल लगाया 601, तो ये क्या करेगा, टॉप लेवल पहले जो पहला टॉप लेवल होगा डेट इज 301, इस पे आएगा, ये रिमूव करेगा, अच्छा, फिर ये इस पे आएगा टॉप लेवल, ओनली टॉप लेवल इज प्रोसेसिंग इज हैपनिंग इन द बी राउटर, ओके। तो इसको इसने 301 को स्वैप किया 601 के साथ, इसने देखा कि 601 ठीक है, नेक्स्ट मेरा पीएचपी है, मुझे सिर्फ कौन सा पैकेट लेके जाना है, बीजीपी वाला पैकेट, तो बीजीपी पैकेट कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ओनली ऑन द एज राउटर, ओके, इसलिए वो 703 कॉमन एरर 301603, हां इसलिए वो प्रोसेसिंग लेवल स्वैपिंग हो रही है इन द पी राउटर, बट 703 इज रिमेन सेम बिकॉज़ दैट लास्ट में जाके ओनली कहां पे प्रोसेस होगा, ये सिर्फ एज पे प्रोसेस होगा, ओके। सो दिस इज एमप्लस टनलिंग, दिस इज बीजीपी टनलिंग, और विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर मेकिंग द एमपीएलएस बीजीपी फ्री। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस वाले पाथ को भी अप करूँगा, ठीक है, सेकेंड पाथ, और फिर हम देखेंगे देर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज एलडीपी सिंक। एलडीपी सिंक का क्या रोल है यहाँ पे, विल टेस्ट दैट वन। एलडीपी सिंक होता है कि यू मस्ट हैव सिंक्रोनाइज द आईजीपी प्रीफिक्स विद एलडीपी, ओके, इफ दैट कमांड इज नॉट रनिंग, सो एलडीपी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आईजीपी, और देर मे बी द चांस, और जो बेस्ट पाथ जो फाइंड कर रहा है राउटर दैट इज विद द हेल्प ऑफ आईजीपी, राइट। सो लेट अस अज्यूम दैट विद एनी रीजन एलडीपी प्रोसेस आपका डाउन हो गया, बट आईजीपी इज अप, ओएसपीएफ आपका अप है, और देयर इज अ कंटीन्यूअस पैकेट आपका नेटवर्क में जा रहा है, बिकॉज एलडीपी तो फेल हो गया, तो आपका पैकेट एलडीपी पैकेट फेल हो जाएगा, आपका पैकेट यहां पे ड्रॉप हो जाएंगे,
दिस इज आई डू नॉट वांट, आई वांट इफ IGP डाउन होता है LDP डाउन होता है, हाँ, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करता है टू द नेक्स्ट बेस्ट पाथ. ओके, सो दिस इज दिस प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व बाय इनेबलिंग द LDP सिंक कमांड. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाले सेकंड पाथ को आप करते हैं विद IP एड्रेसिंग स्कीम और SPF वैसे ही चलेगा. और लेट मी गो टू टू फर्स्ट, सो टू टू फोर है गिग टू IP address 172.16. This is 24.2. Okay. And IP OSPF 1. This is the member of area 0. कौन सा नंबर भी कहीं लिखा है 2 to 4. हाँ 2 to 4 के बीच में. तो हमारा ये जो लिंक है. ये तो बोला जिस तरह से. 2 to 4. राउटर 2 है, 2 कनेक्टेड है 4 के साथ, 4 कनेक्टेड है आपका 5 के साथ, और 5 आपका प्रिंटआउट मिल जाएगा क्या 7 के साथ कनेक्टेड है, भाई इसको रेफर करना है तो प्रिंट नहीं होगा इसका, इसका प्रिंट नहीं होगा. इसकी टोपोलॉजी, टोपोलॉजी बना देता हूँ ना ऊपर में, Now go to the 4 gig 0 gig 2. इसमें इंटरफेसेस हैं gig 0 172.16.24.4 5.4. Now shut down. Yeah. Then यहाँ पे loopback बनेगा. IP address is 172.16.4.4. Then you can run the OSPF here. I want to run the MPLS first. MPLS label range 400 499.
TLS LDP router ID loopback 0 force start the OSPF network or network area 0 TLS LDP auto config area 0 core is done. TLS LDP auto config ये काम क्या कर रहा है कि जितने भी लिंक एरिया जीरो के मेंबर होंगे उन पे एलडीपी रन कर रहा है एलडीपी प्रोटोकॉल राउटर फाइव पे मेरे पास लिंक है जीरो एंड टू वंस अगेन जीरो एंड टू इंटरफेस जीरो है विच इज 45.5 yes. And 0.2 hai, which is 57.5. 57.5. Okay, so then mujhe MPLS label range deni hai. Phir mujhe LDP सेट करनी है मैन्युअली फिर मुझे ओएसपीएफ का प्रोसेस रन करना है यस वी नीड लूपबैक जीरो इसने कमांड ले लिया बट दैट्स नॉट गुड थिंग 172.16.5.5 ओके सो ओएसपीएफ ऑन किया नेटवर्क चलाया एरिया जीरो किया MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग एरिया जीरो कर दिया ओके सो इट विल डिस्कवर नेबरशिप यस LDP नेबर आ गई देन यू हैव द फाइव सॉरी सेवन सेवन लिंक इज गिग 0/1 57.7 and IP OSPF 1 area 0 so for router 7 perspective I'm expecting 2 LDP neighbor 1 with 6 1 with 5 6 this is neighborship with 6 and second is neighborship with 5 7 and 5 okay similarly for router 2 perspective you have 2 LDP neighbor LDP neighbor 3 and 4 right and then show IP route load balance कर रहा है ये so let me select one of the best path and second will be the second path load balance कर रहा है can see for this 7.7 के लिए it has two path 24.3 and both is best 24.3 इसलिए वो लोड शेयरिंग कर रहा है लोड शेयरिंग बेस्ड ऑन पर फ्लो पर डेस्टिनेशन तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा लोड शेयरिंग करता कैसे मैं पर फ्लो करेगा राइट पर फ्लो यानी पर डेस्टिनेशन पर फ्लो तो डेस्टिनेशन मेरा आईपी प्रीफिक्स है अब जितने भी एक बार सेशन बन गया सोर्स आईपी दिस एंड डेस्टिनेशन दिस जितने भी पैकेट जाएंगे उस दैट्स टेक एन एग्जांपल हां मेरा ये R2 है ये R3 है ठीक है ये नेटवर्क वर्किंग का लिंक है हां जी दैट्स टेक एन एग्जांपल ये भी वर्किंग का लिंक है हां जी
आर फोर ठीक है, यहाँ से मेरा प्रीफिक्स आया और लेट्स टेक एग्जांपल डॉट टू एक आई पी है डॉट थ्री आई पी है ठीक है, मान लेता हूँ डॉट टू इस पे चला गया डॉट थ्री इस पे चला गया ठीक है क्योंकि इक्वल कॉस्ट है। लेट्स टेक एग्जांपल ये मेरा डॉट टू में ये 1.5 गिग था और ये 0.500 एमबी था, इसके बाद ये ड्रॉप करने लगेगा, इसका ये ड्रॉप करने लगेगा ना, इसके लिए टीई वाला कॉन्सेप्ट आया था कि वो पहले से चेक करके प्री डिफाइंड टनल बनाता है, वो पहले से वो चेक कर देता है कि अगर मेरे पास जो जो पेयर रोड है डेट इज मोर देन इस पे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इस आगे जाके ये ड्रॉप होने वाला है, तो वो कंट्रोल प्लान पहले से बनाता है डेट इज आर एस बी पी, वो भी आर एस बी पी बनाता है वो, दिस इज नॉट पॉसिबल विद आपके नॉर्मल आई जी पी के थ्रू, वो ड्रॉप होना ही है। उसके लिए सिर्फ क्वालिटी ऑफ सर्विस ही आप चला सकते हैं कि अगर मेरा बेस्ट ट्रैफिक है तो इसको कंजेशन के टाइम ड्रॉप ना करें, तो सेंड टू री। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, आई एम चेकिंग द नेबरशिप, शो एम पी एल एस, वो तो चेक कर लिया था हमने नेबर। सो मुझे क्या करना है, शो आई पी राउट, आई वॉन्ट टू प्रेफर वन पाथ ओवर अनदर। So let us assume that this one is the best path. So मैं क्या करूँगा, gig 2 पे जाऊँगा, interface gig 2 पे गया and IP और SPF post कर दी 10। वो gig 2 कौन सा वाला port है? gig 2 router 4 पे जा रहा है। ओके फोर पे जा रहे थे, इसकी कॉस्ट मैंने कर दी ज़्यादा। बाय डिफॉल्ट कितना होता है 10 कॉस्ट? बाय डिफॉल्ट आपका जो कॉस्ट होता है दैट इज शो आईपी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वी कैन चेक दिस, जो कॉस्ट है वो 1 है, बेस्ड ऑन द रेफरेंस बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है। रेफरेंस बैंडविड्थ क्या, अगर रेफरेंस बैंडविड्थ अगर सपोज मेरा ये गिग है, गिग लिंक है, रेफरेंस बैंडविड्थ इसका 1 गिग हुआ, तो 1 गिग डिवाइड बाय 1 गिग होस्ट होगी 1। अच्छा 1 गिग डिवाइड बाय 1000, सपोज मेरी रेफरेंस बैंडविड्थ 100 एमबी है और जो लिंक स्पीड भी 100 एमबी है, तो 100 डिवाइड बाय 100 होस्ट होगी 1। ओके ऐसे ही इसमें रेफरेंस बैंडविड्थ 1 गिग है डिवाइड बाय 1 गिग, तो आ रही है आपकी कॉस्ट 1। तो प्लेटफॉर्म डिपेंड होता है, कई कई प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि सपोज मेरा 40 गिग का लिंक है, तो बेस्ड ऑन दैट 40 गिग लिंक उसकी रेफरेंस बैंडविड्थ वो सेट करता है, सो दैट आई कैन मेक अ डिफरेंस इन 40 गिग लिंक वर्सेस 10 गिग लिंक, बट यू कैन सेट एब्सोल्यूट वैल्यू। सो इस केस में ये कोई बैंडविड्थ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बिकॉज आपने एब्सोल्यूट वैल्यू सेट किया है, जो भी आपने कॉस्ट यहाँ पे लगाया वो इसकी लिंक कॉस्ट है, तो जो टोटल मैट्रिक होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी 10 मेरी है और 10 मेरी है, ठीक है। सो मैंने इस पे किया 10, योगी 10, योगी 1, योगी 1, योगी 1, टोटल कॉस्ट बनेगी 11, 12, 13। सो अभी बाय डिफॉल्ट आ रही है 4, इट इज 1, 2, 3, 4, वो होगा बेस्ट। शो आई पी राउट किया, ओके सो जो 7.7 है उसके लिए जो बेस्ट पाथ है 23.3 है, ओके सो अब यहाँ पे ट्रेस करते हैं R1 से, जस्ट टू कंफर्म विच वन इज द बेस्ट पाथ। ट्रेस राउट 172.16.8.8 सोर्सिंग फ्रॉम 172.16.1.1, ट्रैफिक जा रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7, ठीक है, बेस्ट पाथ यूज़ कर रहा है।
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट आई एम सेंडिंग द कंटीन्यूअस ट्रैफिक टू दिस डेस्टिनेशन 172.16.8.8 source from yes 172.16.1.1 to the high repeat count is this one. Okay. अब हम क्या करेंगे, LDP के पाथ को explicitly block करेंगे to simulate that LDP sync scenario. So मैं क्या करूँगा यहाँ पे between 2 and 3 LDP session को block करूँगा by filtering port number 646 with the help of ACL. तो चलते हैं 2 पे. Let's say I'm using on a 3 पे करता हूँ. पहले तो ACL बना लेते हैं. एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी एनी टू रिपोर्ट नंबर 646. ठीक है. और दूसरा है अगर टीसीपी अगर सोर्सेस एनी सोर्सिंग फ्रॉम 646 डेस्टिनेशन इज एनी रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक मैं अलाउ करूँगा परमिट आईपी एनी और फिर इसको अप्लाई करेंगे इनबाउंड टू द लिंक फेसिंग टू राउटर 2 जो कि हमारे पास है टू शो सीडीपी नेबर दिस लिंक गिग 00 फेसिंग टू राउटर 2. इसको अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं पिंग चला देते हैं वन पे कंटिन्यूस पिंग 3 पे गए इंटरफेस 00 आईपी एक्सेस ग्रुप नंबर इज 100 डायरेक्शन इज इनबाउंड और फिर मैं क्या करूँगा क्लियर एलडीपी LDP session terminate hoga there will be a infinite traffic block blackout. So ये automatic अभी redirect नहीं करेगा because आपका जो underlay जो path है that is IGP. IGP path is working fine. Because we have the OSPF is running okay. IP ping करेगा. If I go to router 2 IP ping करेगा right? हाँ जी ये BGP का पैकेट है तो BGP का पैकेट 3 में तो है ही नहीं. ये 2.7 पिंग को पिंग कर पाएगा बट इट विल नॉट पास LDP राइट. करेक्ट करेक्ट. सो 172.16.7.7 पिंग होगा और
sourcing from 172.16.1.1 sorry not 1.1 2.2 local IP 2.2 और ये अगर मैं वही पे अगर उसका ऑप्शन भी आता है ना आई थिंक वी कैन पोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं राइट इसमें पोर्ट भी डाल सकते हैं तो वो पोर्ट डालेंगे तो वो ब्लॉक करेगा ड्रॉप कर देगा राइट 646 को वो ब्लॉक करेगा यहाँ पे तो 172.16 क्या करना था ट्रेस करना था बाय यूजिंग द सोर्स 172.16.2.2 ये डोमेन लुकअप करेगा ट्रेसिंग टू रूट तो पाथ आपका वही है बेस्ट पाथ फ्रॉम 2 to 3, 3 to 6 यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है फॉर आउट ऑफ वन परस्पेक्टिव इज ए इनफाइनेट ट्रैफिक ब्लैक होल This is happens rare case, but may be possible that if LDP is fail with any reason, LDP process is down, but my IGP is okay. Okay. But that means your LDP trap because of the PGP is not running in your P router. Mm. Your customer traffic will be going in a black hole mode. So now I want to solve this problem. So one line command I need. Recommended is to configure on all the router in the MPLS cloud under the OSPF process. पर इस केस में मुझे सिर्फ राउटर 2 पे चाहिए राउटर 2 पे जैसे ही ये कमांड सेट करूँगा ये क्या करता है इस पे इनफाइनाइट टेम्परेरी इनफाइनाइट कॉस्ट एडवर्टाइज करता है सो दैट दिस लिंक बिकम बस्ट कॉस्ट आईजीपी आईजीपी मैट्रिक सॉरी बेस्ट पाथ कैलकुलेशन कैसे होती है आईजीपी की विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक राइट तो अभी ये पाथ बेस्ट क्यों है क्योंकि इसकी मैट्रिक कम है दूसरे पाथ से ठीक है अब जैसे मैं LDP sync enable करूँगा ये क्या करता है इस पर एक मैट्रिक बस्ट मैट्रिक एडवर्टाइज करता है उस लिंक पे सपोज 1000 मैट्रिक वैल्यू नहीं नहीं मेरे को समझ नहीं आया देखो व्हाट आई अंडरस्टैंड सी अभी क्या हो रहा है LDP ब्लैक LDP डाउन है IGP अप है राइट उसके अंदर ट्रैफिक ब्लैक आउट हो रहा है दैट्स ओके जब मैं sync कमांड चलाऊंगा उस केस में क्या करेगा बेसिकली उसको IGP को भी डाउन करवाना है राइट IGP को डाउन नहीं करवाना मुझे मुझे ट्रैफिक रीराउट करवानी है ओके ताकि LDP से ट्रैफिक जाए LDP से ट्रैफिक जाए दूसरा पाथ तो मेरे पास है ही है तो यहाँ पे विद द LDP सिंक वो कॉन्सेप्ट के यूज करता है कि जो बेस्ट पाथ है उसको बस्ट बना देता है बाय एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली द बैड मैट्रिक ऑन दैट लिंक और वो कब इफेक्ट करेगा कब मुझे बस्ट बना रहा है उसको कब उसको बस्ट बनाना है अब वो कैसे डिसाइड करेगा अभी तो बेस्ट एक तो बेस्ट है ही है हाँ तो अभी तो आईजीपी अप है अभी अभी आईजीपी अप है ना मेरा हाँ तो अभी एक एक टाइम पे एक बेस्ट होगा ना पाथ हाँ तो अभी मेरा बेस्ट है तो ऊपर वाला पाथ मेरा बेस्ट चल रहा है हाँ ठीक है अब उसको बस्ट करना है राइट हाँ तो वो कैसे डिसाइड करेगा मुझे बस्ट कब करना है अब LDP का हेलो बिल चल रहा है ना LDP अच्छा उसका LDP का हेलो डाउन हो गया डाउन हुआ तो वो बस्ट ये हाँ बस्ट कर देगा तो अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट मी गो बैक मैं राउटर 2 पे जाऊंगा और क्या यूज करूंगा एक कमांड देखिए LDP का जो हेलो है वो हर 5 मिनट में चलेगा राइट जो LDP का जो सेशन होता है हाँ हर 5 सेकंड है ना LDP हाँ जी हाँ जी यानी आप 5 सेकंड बाद ही करता है वो आप राइट हाँ थोड़ा सा तो ब्लैक थोड़ा सा पैकेट लॉस करेगा यहाँ पे कमांड है अंडर दी OSPF MPLS LDP sync MPLS LDP sync अंडर दी OSPF प्रोसेस sync कमांड लगाई इसको एक्टिवेट कर देना चाहिए था हो गया हाँ रीडायरेक्ट कर दिया टू So this command is recommended to apply on all the router in the MPLS cloud under the OSPF process. What is the command? Sure, let me stop now. Okay, so ये था मेरा basic MPLS. अब next हम discuss करेंगे MPLS tier 3. MPLS near 3 VPN.
आर्किटेक्चर एलसीडी पे ना फिर अभी तक मैंने क्या किया. सो बाय डिफॉल्ट जब हम वीपीएन डेफिनेशन एक्टिवेट करते हैं तो इस पर कोई भी एड्रेस फैमिली इनेबल नहीं होता. सो इफ आई यूजिंग द कमांड शो वीआरएफ, अभी तक मेरे पास वीआरएफ नेम है, डू शो वीआरएफ डिटेल. सो यू कैन सी एड्रेस फैमिली, no address family is activated so far. But इसने default local ID set कर लिया है. Okay, so root target भी मैंने इसको दिया, but because address family is not activated, it is not showing that extended community value. So I have to be enable address family IP version 4, ये unicast के लिए है. ऐसे मैंने enable किया and then I'm using the VRF detail. Now I am exporting this root target value. This is extended community attribute. और इसी value को मैं import कर रहा हूँ. That means remote site पे अगर कोई मुझे root भेजे तो इस RT के साथ उसको export करना पड़ेगा. Okay. ठीक है. Okay. So import and export. RT खुद ही ले लिया उसको. हाँ. Import export जब मैंने किया तो वो खुद ही RT ले लिया. हाँ. बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफिक कीवर्ड ना लगाओ कि ये मुझे एक्सपोर्ट करना है टैग, ये मुझे इंपोर्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों के लिए एक ही टैग यूज़ कर लेता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट. अब वीआरएफ बन गया. अब इस वीआरएफ के अंदर मुझे मेंबर इंटरफेसेस डालने हैं जो कि कस्टमर फेसिंग लिंक है. सो मेरे पास यहाँ पर जो लिंक है वो है गिग 00. ओके. So, अभी तक ये जो गिग 00 है इसका जो आईपी है वो है ग्लोबल टेबल के अंदर. दिस इज आई हैव ओनली बाय डिफॉल्ट ओनली वन टेबल व्हिच इज नोन एज ग्लोबल टेबल. एक ही टेबल है और इसके अंदर जो आईपी है, कौन सा आईपी है, ये वाला. दिस इज राइट नाउ इन द ग्लोबल राउटिंग टेबल दिस लिंक. आई विल गो टू दिस गिग 00 and will say VRF forwarding and now it is the member of VRF ABC. जैसे आप इसको enable करोगे इस पर IP address अपने आप ये हटा देता है. That means I have to be now configure IP address once again. पहले इसके पास IP था, default behavior है. पहले इसके पास ये वाला IP था, directly connected वाला है. ये जो इंटरफेस है डायरेक्टली, हाँ ये जो इंटरफेस है कौन सा, जो कि कस्टमर पे जा रहा है. ये जो इंटरफेस है नाउ इट इज द मेंबर ऑफ वीआरएफ. ठीक है. कैसे अपने इसको किया, इस लिंक के अंदर गए और कमांड लगाई वीआरएफ फॉरवर्डिंग और जो वीआरएफ हमने बनाया था. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिंपल वीआरएफ बोला, वीआरएफ फॉरवर्डिंग एबीसी कर दिया एंड द नेम ऑफ द वीआरएफ. काम बोला आईपी एड्रेस हटा दिया जैसे करूंगा. जैसे मैंने किया है आपने यहाँ पे देखा ना कि इंटरफेस गिग 00 इज डिसेबलिंग एड्रेसेस एंड रिमूव ड्यू टू इनेबलिंग वीआरएफ एबीसी. ओके. ये पहले ये ग्लोबल, ये जो आईपी था ये ग्लोबल रिप का मेंबर था. right. अब ये वीआरएफ स्पेसिफिक का मेंबर होगा. तो अभी तक इसके पास कोई आईपी नहीं है. आपको दिखेगा यहाँ पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ गिग 00 हट गया ना आईपी. अब मैं इसको आईपी दूंगा, आईपी एड्रेस 172.16.12.2. ओके. सो नाउ इफ आई सी हियर टू शो आईपी, यहां से कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा कि दिस लिंक इज द नंबर ऑफ व्हिच राउटिंग टेबल. डिफरेंस कहां पे आता है जब मैं इसको हाँ जी शो आई पी रूट करूँगा, अगर मैं कोई वी आर एफ यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे वो 12.0 का नेटवर्क नहीं दिखेगा.
वो इंटरफेस में दिखाई दे रहा ना। हां वो 1.0.0 आया इन इंटरफेस, देयर इज नो 1.0.0, तो वीआरएफ में दिखा पड़ेगा। हां जी, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं कोई वीआरएफ रन भी कर रहा हूं कि नहीं। शोएब भी वीआरएफ बता रहा है कि मैं एक वीआरएफ रन कर रहा हूं, और ये जो इंटरफेस है 1.0.0 इस वीआरएफ का मेंबर है। इसका जो मैंने आरटी सेट किया है 27:2 शो, बिकॉज आई नो द वीआरएफ टेबल नाउ, सो शो आईपी रूट, और नाउ यू हैव द वीआरएफ नेम इज एबीसी। सो मेरे पास यही वाला रूट है इसके अंदर, राउटिंग टेबल फॉर एबीसी, ये वीआरएफ कॉन्टेक्स्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स नाउ आई कैन पिंग, बट अभी मुझे पिंग टेस्टिंग करनी है। तो दैट मीन्स मेक श्योर नाउ यू आर यूजिंग द अप्रोप्रिएट वीआरएफ कीवर्ड आल्सो, ऐसे पिंग वीआरएफ करेगा वो भी। उधर तो हमने कंफ्यूज नहीं किया ना, रिमोट साइड पे मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी है व्हिच इज 172.16.12.1, पर मुझे जो टेस्टिंग करनी है ना, अगर आप इस कीवर्ड को यूज नहीं कर रहे वीआरएफ एबीसी, सो बाय डिफॉल्ट वो लोकल राउटिंग टेबल में चेक करता है, आई मीन ग्लोबल टेबल में चेक करता है विदाउट एनी वीआरएफ, बिकॉज मैं वीआरएफ कीवर्ड लगा रहा हूं, सो आई शुड हैव ए कनेक्टिविटी टू दिस आरटी। वहां तो ये तो आरटी अच्छा राउट टारगेट भेजा वहां रिमोट, नहीं नहीं ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है अभी तक। टू इसको पिंग कर रहा है, वन को, अच्छा वन को पिंग किया, ओके डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है। बोला 7 को पिंग, नहीं नहीं अभी तो 7 तक पहुंचेगा नहीं है। देखो यहाँ तक मेरे पास पिंग हो रही है, इसके पीछे एक रूट भी है, उसको यहाँ पे रखने के लिए मैं सिर्फ स्टैटिक राउट खींचूंगा, अभी तक कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं रन। क्या क्या है इसके पीछे, आर वन के पीछे अभी तक मेरे पास वीआरएफ टेबल में क्या है, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड, अगर मुझे कस्टमर के रूट वीआरएफ में रखने हैं तो आई हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल लूपबैक इंटरफेस, जो कि लूपबैक इंटरफेस है। अब उस लूपबैक को मैं यहाँ पे कैसे रखूंगा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक राउटिंग, राइट। सो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक रूट खींचूंगा पॉइंटिंग टू द कस्टमर लिंक विद द हेल्प ऑफ कमांड आईपी रूट वीआरएफ, और वीआरएफ का नेम है एबीसी, और वहाँ का जो रूट है विच इज 1.1, ये मेरा सबनेट मास्क है, और द नेक्स्ट स्टॉप इज 12.1। डिफरेंस क्या है कि सिर्फ ये रूट नॉर्मल रूट नहीं है, ये वीआरएफ अवेयर स्टैटिक राउट है। ओके, अब ये रूट जाएगा इसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर क्या स्टैटिक राउट, ठीक है। सो दैट मींस नाउ आई कैन आल्सो पिंग दिस नंबर 16.1.1, ओके। सो अभी तक मेरे पास प्रोवाइडर लोकल प्रोवाइडर एच कस्टमर के रूट को पिंग कर पा रहा है, तो आई हैव द लोकल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट सेम थिंग आई विल डू ऑन द अदर साइड, R728 कर लेते हैं, R728। सो यहाँ पे एक वीआरएफ डेफिनेशन बनाते हैं, नेम में लोकल रख रहा हूँ, तो आरडी में यहाँ पे वही रख रहा हूँ 27, लेट्स से 7 कर दिया डिफरेंट, बट मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैच करवाने पड़ेंगे। रूट टारगेट 27 2 होगा, क्योंकि वहाँ पे 27.2 ही किया है मैंने, 27.2 है ना, तब ये वो इंपोर्ट करेगा ना वो, तो आप देखो 27:2 है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है। राउट टारगेट इज 27.2 कर दिया उसने, राइट। रूट डेस्टिनेशन मैंने अलग अलग कर दिया, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन मेक इट सेम। राउट टारगेट आपने चेंज कर दिया, राउट टारगेट मैच होना चाहिए, राइट, राउट टारगेट मैच होना चाहिए, बिकॉज़ ये कंट्रोल करता है वीपीएन का, राइट। एड्रेस पे अभी मुझे एक्टिवेट करनी पड़ेगी, बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट कोई भी एड्रेस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर, हां जी हां जी, लोकली सिग्निफिकेंट है ये, सिर्फ इसका काम यही है कि मेक द प्रीफिक्स यूनिक, एड्रेस फैमिली IP4 यूनिकास्ट क्यों किया हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई भी एड्रेस फैमिली इनेबल नहीं होती, अगर आप इसको एड्रेस फैमिली इनेबल नहीं करेंगे तो जो रूट टारगेट है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ओके। तो इस कमांड की हेल्प से आपका रूट टारगेट एक्टिवेट हो रहा है। सो व्हेन यू से दिस यू कैन सी द एड्रेस फैमिली फॉर वी IPv4 इज इनेबल, बट मेरे पास और नहीं दिखा रहा है अभी तक।
ठीक है, तो ये मेरे पास ये एक्सपोर्ट है, देन दिस वन इज द इम्पोर्ट. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, द लिंक फेसिंग टू द कस्टमर, उस पर मुझे VRF इनेबल करना है, विच इज 78.7 इंटरफेस /2 VRF फॉरवर्डिंग नेम इज ABC, इसका IP द्वारा सेट करना पड़ेगा 172.16.78.7 सबनेट मास्क. फिर टू गेट द कस्टमर राउट यू हैव टू कॉन्फिगर हियर स्टैटिक राउट टू द IP एड्रेस जो कि लूप बैक बिहाइंड द R8 है, R8 है 88. Subnet mask of destination with the next hop of the directly connected router. So now look for the show IP route and for the VRF ABC इसके पास local router. Customer ping. अब करेगा ping VRF with the name ABC 172.16.8.8. नहीं अभी नहीं करेगा, वहाँ नहीं करेगा, हमने वो बनाया है ना, वहाँ पे सेशन बनाया, सेशन नहीं बनाया. अब यहाँ तक है मेरे पास इंफॉर्मेशन, तो मेरे पास अभी तक शो BGP एक्टिव ही नहीं है, BGP रन नहीं कर रहा. अब H पे मुझे BGP रन करना है, राउटर 2 पे गया मैं और राउटर BGP प्रोसेस स्टार्ट किया 27. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इट इज ऑटोमेटिकली इनेबल शो IP BGP, यहाँ से नहीं दिखेगा आपको शो IP इनेबल भी नहीं दिखेंगे. ओके, सो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली अपने आप ही इनेबल होती है, एड्रेस फैमिली IP पर्सन 4. ना इन दिस एग्जांपल्स आई डू नॉट वांट टू डील विद ग्लोबल BGP राउट, ग्लोबल जो भी राउटिंग टेबल के अंदर रूट होंगे उनके साथ मैं डील नहीं करना चाहता. आई जस्ट ओनली कंसर्न विद BPN राउट. दैट मीन्स यू कैन डिसेबल द डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली विच इज बाय डिफॉल्ट इज इनेबल. आपकी जो देखो होगा क्या, मुझे सिर्फ किसके साथ नेबरशिप बनानी है, R7 की VRF के साथ, कौन से रूट के लिए, BPN वर्जन 4 के लिए. अगर मैं सिंपल BGP प्रोसेस रन करता हूँ और नेबर कमांड यूज़ करता हूँ तो ये IPv4 का नेबर भी बनाएगा जो कि पहले से बना ही रहा था, क्योंकि एड्रेस पे अपनी IP वर्जन 4 इनेबल होती है. आप बोले R2 का जो इंटरफेस है टूवर्ड्स क्लाइंट, हाँ तो उस तरफ मैं नेबरशिप बनाता हूँ. राउटर आपने 2 पे किया 27, फिर बोला आपने नेबर नेबर 172.16.7.7 ये, हाँ लूप बैक के साथ कर दिया, ठीक है. तो अब इस BGP का गोल क्या है, टू कैरी BPN वर्जन 4 प्रीफिक्सेस. सपोज यू डू नॉट वांट टू कैरी द क्लासिकल BGP प्रीफिक्सेस, बट अभी तो नेबरशिप तो IPv4 के साथ भी बना रहे हैं. नेबरशिप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे नेबर दिया, रिमोट एस दिया, बाय डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली V4 इनेबल होती है, तो अभी दो नेबर बनेंगे. ऑल्दो आई एम नॉट कैरी दी, यहाँ पे मेरे पास तो ये VRF का कस्टमर है, ठीक है, मैं BGP मैं क्लासिकल BGP की प्रीफिक्स को कैरी नहीं कर रहा, बट अननेसेसरी मैं नेबर सेशन बना रहा हूँ. चैलेंज क्या आ रहा है, मैं वो समझ नहीं, चैलेंज आ रहा है कि आप डबल ओवरहेड आप रन कर रहे हो, मोर देन वन एड्रेस फैमिली रन कर रहे हो अननेसेसरली. मैं बनाता हूँ आपको, मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा अभी, अभी वो डीएक्टिवेट नहीं कर रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बात हमारा सिंपल ये करके बन हो गया, क्योंकि एड्रेस फैमिली IPv4 इनेबल होती है, हाँ इसलिए वो बन रहा था, ठीक है. ये वाली कमांड एड्रेस फैमिली IPv4 यूनिकास्ट, दिस इज बाय डिफॉल्ट इनेबल, ठीक है, दिस कमांड BGP में, राइट, हाँ जी BGP के अंदर, ठीक है. एड्रेस फैमिली फॉर IPv4 बाय डिफॉल्ट इनेबल इन BGP, बट अदर देन IPv4 ऑल एड्रेस फैमिली इज एड्रेस फैमिली होता क्या, मैं वापस से कॉन्टेक्स्ट है ये, कॉन्टेक्स्ट मतलब मुझे बाय डिफॉल्ट एक राउटर पे एक ही प्रोसेस रन कर सकते हैं. अच्छा BGP का एक ही रन कर सकते हैं, हां ठीक है. अब मेरे पास
IPv4 का प्रीफिक्स है, IPv6 का प्रीफिक्स है. अब मुझे IPv4 का ट्रैफिक कैरी करना है, IPv6 का ट्रैफिक कैरी करना है. राइट. या तो होता कि मैं अलग अलग प्रोसेस रन कर पाता, IPv6 के लिए अलग प्रोसेस, V4 के लिए अलग प्रोसेस, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं. अब मैं कैसे इन प्रीफिक्स के ट्रैफिक को कैरी करूँ? तो BGP यूज करता है एड्रेस फैमिली कॉन्सेप्ट. ओके. एड्रेस फैमिली में सेपरेट कर देता है और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट रन कर रहा है अंडर द सिंगल BGP प्रोसेस. सो अभी हम सिर्फ एक ही एड्रेस फैमिली से डील कर रहे थे, अभी हमारे पास मोर देन वन एड्रेस फैमिली चाहिए बिकॉज हमने BRF कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. ठीक है. बट यहाँ पे मुझे कंसर्न क्या है, सिर्फ मैं BRF की प्रीफिक्सेस को ही कैरी करना चाहता हूँ, मैं BGP की क्लासिकल प्रीफिक्स को कैरी नहीं करना चाहता. क्योंकि इस केस में तो मेरे पास कोई ऐसा कस्टमर ही नहीं है जो कि क्लासिकल BGP रन कर रहा हो. कि ये तो मेरा BRF का लिंक है ना. यहाँ पे कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो कि सिंपल विदाउट BRF BGP रन कर रहा है. राइट. तो मुझे अननेसेसरली नेबरशिप क्यों बनानी है अपने IBGP के अंदर? राइट. उस फॉर IPv4 फैमिली के लिए जब जरूरत पड़ेगी तब बना लेंगे, बट अननेसेसरली तो नहीं चाहिए. इसलिए अंतिम अनलेस अगर आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है तो वी कैन डिसेबल डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली फॉर IPv4 व्हिच इज बाय डिफॉल्ट इनेबल. ठीक है. ओके. एंड दिस इज वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ कमांड डिफॉल्ट अंडर द BGP प्रोसेस BGP डिफॉल्ट IPv4 यूनिकास्ट. इसको मैं क्या करूँगा, नो. नो से क्या होगा, अब मैंने कोई भी एड्रेस फैमिली इसमें एक्टिवेट नहीं है. ओके. ना तो IPv4, ना VPN v4, ना IPv6. और मुझे एक्सप्लिसिटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो एड्रेस फैमिली इनेबल करनी है. तो यहाँ पे सिर्फ मैं कंसर्न हूँ जस्ट ओनली टू कैरी VPN v4 प्रीफिक्सेस. तो पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1, आई विल बिल्ड नेबर. तो नेबर कमांड चलाई 172.16. माय रिमोट नेबर क्या है, 7.7. 2 से 7 के बीच IBGP नेबरशिप बननी है. दिस विल बी MP IBGP सेशन. रिमोट AS किया मैंने 27. अब बिकॉज मेरा सोर्स का जो पैकेट है ये है. अब यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट कमांड लगाना चाहूँ तो ये हाईलाइट नहीं होगी बिकॉज कोई भी एड्रेस फैमिली इनेबल नहीं है. तो ये स्पेसिफिक टू एड्रेस फैमिली कमांड है, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ. और मुझे अगर नेटवर्क एडवर्टीजमेंट करनी है तो स्पेसिफिक टू एड्रेस फैमिली के अंदर मुझे नेटवर्क एडवर्टीजमेंट करने पड़ेंगे BGP के. अब यहाँ पे मुझे कौन सी एड्रेस फैमिली चाहिए, VPN v4. You see, we have the different types of address family: IPv4, IPv6, L2VPN, VPN v4, or VPN v6. So we are concerned with now this address family. ठीक है. So इसको activate करना पड़ेगा because by default ये activate नहीं होती. So VPN v4 and unicast. Okay. So now I am under this VPN v4 address family. ठीक है. इसके अंदर मुझे नेबर को एक्टिवेट करना है जो मैंने अभी नेबर बनाया 172.16.7.7. इसको करना है एक्टिवेट विद हेल्प ऑफ कमांड एक्टिवेट. जैसे ही इसको एक्टिवेट करते हैं ये ऑटोमेटिकली जब सेशन बनाएगा, अभी देखते बना कि नहीं. सेक्शन राउटर के सेंसिटिव होते हैं ये कमांड्स. राउटर BGP. तो अभी तक मैंने क्या किया, देखो ये वाली कमांड मैंने नहीं चलाई थी. द मोमेंट आई पुट द एक्टिवेट कीवर्ड इट इज ऑटोमेटिकली इनेबलिंग द एक्सटेंडेड कम्युनिटी एट्रीब्यूट. ठीक है. अब जो भी काम होगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड कम्युनिटी. रूट टारगेट इज द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंडेड कम्युनिटी attribute. Okay. So with this activation, this command is automatically enabled. Okay.
But if explicitly if you disable this, mm-hmm. then that means this is not able to carry that root target prefixes. Right. So yahan tak maine sirf ye kiya. Now because this is my IBGP neighbor, so rules wahi hai. Next stop self yahan pe lagega. But now this time this is not IPv4 address family. Do show IPBGP neighbor. Show IPBGP neighbor. यहाँ पे कोई भी BGP का neighbor नहीं है IPv4 का. And now the recommended command is use show BGP first verification के लिए. Then कौन सी address family आपको check करनी है. Now here show BGP BPN version 4 unicast all summary. So this command is telling me the BPN version 4 neighborship. Agar main yahan pe show BGP IPv4 unicast summary करूँ तो I don't have any IPv4 BGP neighbor. This is because मैंने वो command set किया है disabling the IPv4 address family. So show run section router BGP. मेरे पास IPv4 address family activate नहीं है, मेरे पास सिर्फ BPNv4 address family ही activate है. नेक्स्ट सेम थिंग मुझे दूसरी तरफ करनी है सो दैट आई कैन बिल्ड. ये भी यहां तक तो वापस होता हूं मुझे ये वाला क्वेश्चन करने में फीलिंग लग रहा है. ये मैंने VPN 4 एक्टिवेट किया राइट, IPv4 डीएक्टिवेट किया राइट. हां मोबाइल VPN वर्जन 4 एक्टिवेट क्यों किया, क्योंकि मुझे VPN वर्जन 4 की प्रीफिक्सेस कैरी करनी है राइट. जब कस्टमर से प्रीफिक्स आया हां राउटर ने RD एट्रीब्यूट लगाया ठीक है, प्रीफिक्स 1 की VPN वर्जन 4. अब VPN वर्जन 4 प्रीफिक्स को कैरी करने के लिए मुझे चाहिए VPN वर्जन 4 एड्रेस फैमिली. देखो आप पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि RD एट्रीब्यूट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर RD नहीं चाहिए तो आप ये VPN वर्जन 4 प्रीफिक्स बनेगा नहीं, फिर तो वो IP प्रीफिक्स ही है सिंपल. VPN वर्जन 4 कैसे बन रही है, जैसे आप इसको रूट डेस्टिनेशन का टैग लगा रहे हो टू द नॉर्मल IP प्रीफिक्स, वो 64 बिट का RD टैग लगा रहे हो. सो द मोमेंट यू अटैचिंग दैट टैग प्रीफिक्स इज नाउ बिकमिंग BPN वर्जन 4 प्रीफिक्स. ओके बिकॉज़ IPv4 प्रीफिक्स को आपने अपेंड किया RD के साथ ठीक है.
तो वो बन गई बी पी एन वर्जन 4 प्रीफिक्स। ठीक है, अब दो बी पी एन 4 वर्जन 4 के प्रीफिक्सेस मुझे कैसे कैरी करनी है विद द हेल्प ऑफ एम पी वी जी पी प्रोटोकॉल। एम पी वी जी पी यूज़ क्या करता है इसको कैरी करने के लिए, एड्रेस फैमिली कॉन्सेप्ट। और इसके लिए जो एड्रेस फैमिली है डेट इज बी पी एन वर्जन 4, क्योंकि मेरे पास जो प्रीफिक्स कौन सी है वर्जन 4 की प्रीफिक्स है। अगर वर्जन 6 की होती तो वर्जन 6 एड्रेस फैमिली एक्टिवेट करता। ओके, तो इस केस में मुझे सिर्फ बी पी एन वर्जन 4 की प्रीफिक्स कैरी करनी है, तो मैं सिर्फ यही एड्रेस फैमिली को एक्टिवेट कर रहा हूँ बी पी एन वर्जन 4 को। ओके, उसके बाद यही प्रोसेस मैं रिमोट साइड करूँगा ऑन R7 पे। तो अभी तक कोई नेबरशिप नहीं है। इफ यू लुक फॉर दिस कमांड बी पी एन वर्जन 4, नाउ दिस इज द यूनिवर्सल कमांड, शो बी जी पी पहले रखो, देन अकॉर्डिंग टू द एड्रेस फैमिली चेक दैट व्हाट यू वांट टू लुक फॉर। तो यहाँ पे मैं ये कमांड टू कंफर्म डू वी हैव एनी बी पी एन वर्जन 4 नेबरशिप और नॉट। सो अभी तक ये आइडल स्टेट में है, सो नेबरशिप इज नॉट एस्टैब्लिश। सो दैट मीन्स इट इज सेंडिंग द मैसेज बट रिमोट साइड इज नॉट रिस्पॉन्स। हाँ, तो बिकॉज प्रोसेस बंद नहीं है तो यहाँ पे ये कन्फिगर करना पड़ेगा बी जी पी। तो 7 पे गए, यहाँ पे मैंने बी जी पी प्रोसेस स्टार्ट किया 27। मैंने बाई डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली को डिसेबल कर दिया विद हेल्प ऑफ कमांड नो बी जी पी डिफॉल्ट आई पी वर्जन 4 यूनिकास्ट। मुझे बी पी एन वर्जन 4 ही चाहिए, एड्रेस फैमिली आई पी वर्जन 4 नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये रखता हूं तो क्या होगा वो VPN V4? तो अगर मैं रखता हूँ तो कोई प्रीफिक्स तो कैरी कर नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई भी प्रीफिक्स नहीं है जो कि बी पी एन वर्जन 4 की प्रीफिक्स नहीं है। सारी की सारी बी आर एफ अवेयर प्रीफिक्सेस हैं, वही प्रीफिक्सेस मुझे कैरी करनी है। तो अननेसेसरली नेबरशिप तो बनाएगा, तो सेंडिंग हेलो मैसेज एवरी 60 सेकंड्स। उस ओवरहेड को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि अगर मुझे चाहिए नहीं तो मुझे ये प्रोसेस भी रन क्यों करना है। ये मतलब हमने वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेबर बनानी है 172.16 2.2 के साथ विद द रिमोट एड्रेस 20 रिमोट AS 27 एंड देन बिकॉज मैं बना रहा हूँ मैं सेंड कर रहा हूँ द सोर्स पैकेट विद लूपबैक 0, ये रीचेबल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ OSPF। और फिर मुझे एड्रेस फैमिली इनेबल करनी है VPN वर्जन 4 यूनिकास्ट, इसके अंदर मुझे इस नेबर को एक्टिवेट करना है 2.2 विद हेल्प ऑफ कमांड एक्टिवेट। ये सेंड अच्छा ये वाला जो नेबर है इसको मुझे एक्टिवेट करना है अंडर द एड्रेस फैमिली VPN वर्जन 4। एक्टिवेट करना मतलब क्या होगा, मतलब VPN B4। देखो एक तो होता है कि ये VPN वर्जन 4 एड्रेस फैमिली, ठीक है, नेबर एक्टिवेट करना मतलब VPN वर्जन 4 नेबर एड्रेस फैमिली। ओके, क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक नेबर मोर देन वन नेबर हो सकते हैं, तो उस पर नेबर बेसिस मोर कंट्रोल आपको चाहिए। तो ये आपको इसको एक्टिवेट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, सेशन बना रहे हो। अगर मेरे पास सिर्फ एड्रेस फैमिली B4 ही होता तो ये कमांड अपने आप इनेबल होती है। अब आप एक्सप्लिसिटली इस कमांड की हेल्प से नेबर को एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है, एक्टिवेट किया, जैसे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ ये सेंड एक्सटेंडेड कम्युनिटी कमांड ऑटोमेटिकली इनेबल कर देता है। और मुझे नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ चाहिए, सो दैट क्यों चाहिए, सो दैट दी आई कैन रिमूव द नेक्स्ट स्टॉप रीचेबिलिटी प्रॉब्लम। तो यहाँ तक मेरे पास नेबरशिप तो बन गया, अभी तक कोई भी रूट कैरी नहीं हो गए, ये रूट है BRF स्पेसिफिक। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं शो BGP BPN वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल किया, या फिर स्पेसिफिक BRF भी कर सकते हैं ऑल इज फॉर ऑल BRF। और फिर मैं यहाँ पे यूनिकास्ट करूँगा समरी। तो यहाँ पे मेरे पास नेबरशिप तो बन गई है, ठीक है, बट राइट नाउ मैं कोई प्रीफिक्स लर्न नहीं कर रहा, प्रीफिक्स इज 0 बिकॉज मैंने कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं किया। That means show BGP BPN version 4 unicast और unicast all, ये BGP table है BPN version 4 का। Okay. अभी BPN version 4 में कोई भी prefix नहीं है। Okay.
अब चलते हैं टू एडवर्टाइज प्रीफिक्स इन मैंने एक्टिवेट किया था ना बीजीपी के उसमें वो दिखाएगा नहीं है कौन सा शो बीजीपी वीपीएन वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल सॉरी यूनिकास्ट ऑल फिर इसमें आता है नेटवर्क है देखना है शो बीजीपी वीपीएन इनकास्ट वाले हैं नेबर को मालूम नहीं क्या इनकास्ट ऑल है उसके बाद नेबर है कि नहीं शो बीजीपी अगर ऐसे ही करते हैं शो वीपीएन अभी तक ये बी आर एफ का कोई भी नेबर नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने कोई एड्रेस कॉन्टेक्स्ट बनाया नहीं है जो हमने एक्टिवेट किया था तो वो नेबर तो आपका बन चुका है शो बी जी पी बी पी एन वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल नेबर्स यस नेबर कमाल है ये नेबर है वो बन चुका है नेबर आपका बन चुका है देखो नेबरशिप तो बन चुकी है स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड अब वो क्या नहीं दिखा रहा अभी कोई भी प्रीफिक्स लर्न नहीं कर रहा ठीक है क्योंकि आपने कोई प्रीफिक्स एडवर्टाइज ही नहीं किया ठीक तो यहाँ पे मेरे पास ये देखो यहाँ पे था कि यहाँ पे इसने कौन सी एड्रेस फैमिली इनेबल किया है वीपीएन वर्जन 4 ओके सो वीपीएन वर्जन 4 एड्रेस फैमिली यहाँ पे एक्टिवेट है बाय डिफॉल्ट एड्रेस फैमिली आईपी वर्जन 4 इनेबल होता है बट अभी हमने डिसेबल कर दिया तो यहाँ पे ही नहीं दिखाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें प्रीफिक्स अभी कैरी करनी है तो राउटर 2 पे चलो अभी तक मेरे पास शो बीजीपी वीपीएन वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल यहाँ तक बीजीपी टेबल में कुछ नहीं है मैं क्या करूँगा बीजीपी प्रोसेस के अंदर जाता हूँ 27 ओके नाउ आई नीड टू बी रन बीआरएफ एड्रेस फैमिली एड्रेस फैमिली आईपी वर्जन 4 है बट ये बीआरएफ अवेयर है सो बीआरएफ एबीसी इसके अंदर मुझे करना है रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड ये बीआरएफ के रूट इसमें जा रहे हैं और मुझे करना है रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक अब जैसे मैंने इसको किया अब ये बीजीपी वीपीएन वी 4 टेबल बनाएगा इसके पास ये रूट आ गए तो ये है रूट डिस्टिंग्विशर ठीक है रूट डिस्टिंग्विशर है और अगर मैं इस प्रीफिक्स को देखूं शो बीजीपी वीपीएन वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल 172.16.1.1 दिस इज इसको बोलते हैं बीपीएन वर्जन 4 प्रीफिक्स ये टू कंपोनेंट नहीं है एक ही है इसके अंदर मैंने लगाया रूट डिस्टिंग्विशर ये है मेरा और ये है आईपी वर्जन 4 सो व्हेन आरडी को आप आईपी वर्जन 4 प्रीफिक्स के साथ अटैच करते हो इसको बोलते हैं बीपीएन वर्जन 4 प्रीफिक्स और इस प्रीफिक्स को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमपीवीजीपी जो कि हमने बीपीएन वी 4 एड्रेस फैमिली एक्टिवेट किया अब यहां पे मेरे पास ये जो रूट है ये जो मेरा प्रीफिक्स है इस नेबर से मैंने लर्न किया 12.1 ये नेक्स्ट ऑफ आईपी है मेरे कस्टमर का 12.1 ओके ठीक है
VRF ABC, because ये directly connected है तो आपका ये बता रहा है सोर्स 000, ये राउटर आई डी है आपकी मेरी खुद की, ओरिजिनेटर यही है. दीज आर दी एट्रीब्यूट, बट नाउ द मोस्ट स्पेसिफिकली आई वुड टू सी, ये है आपका एक्सटेंडेड कम्युनिटी एट्रीब्यूट, ये अभी तक ये एक्सपोर्ट कर रहा है ये. दिस आर टी इज एक्सपोर्टेड इन द एम पी एल एस क्लाउड, और ये एक लेबल भी लगा रहा है, ये लोकल लेबल है 200, इसको बोलते हैं बीपीएन लेबल. सो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, वीआरएफ हो गया, दूसरा हो गया आरडी, ये हो गया आरडी, ये हो गया वीआरएफ, और ये हो गया हमारा आरटी, और ये हो गया मेरा बीपीएन. चार कंपोनेंट कैरी करता है आपका लेयर 3 बीपीएन आर्किटेक्चर. और ये जो प्रीफिक्सेस हम कैरी कर रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बीपीएन वर्जन 4, आई मीन एनटीबीजीपी. अब ये पहुंच गया होगा R7 के पास, राइट. यहाँ पे मैं कुछ रिसीव नहीं कर रहा, बट मैं भेज तो रहा हूँ ना, ये मैं भेज रहा हूँ, ठीक है. आई कैन ऑल्सो सी नेबर यूनिकास्ट, यहाँ पे थोड़ा नेबर जो है वो ऐसे है, NNEI, पूरा स्पेलिंग टाइप करोगे तो दिखेगा. नेबर, तो नेबर का आईपी भी देना पड़ेगा मुझे, 172.16.2.7.7 है. इस नेबर को मैं कौन से रूट एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ये वाले. एक तो मैंने लर्न किया फ्रॉम कस्टमर से, और ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, ठीक है. इसको मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक किया है इसको, ठीक है. तो ये दो प्रीफिक्सेस जा रही हैं आपकी रिमोट नेबर पे. बट अगर मैं इस नेबर से कुछ देखना चाहूँ कि कौन से मैं रिसीव कर रहा हूँ, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दिस फीचर इज नॉट इनेबल. ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनबाउंड सॉफ्ट रिकन्फिगरेशन इज नॉट इनेबल, क्योंकि ये करती क्या है फीचर, आपके रिमोट नेबर के रूट को लोकल मेमोरी में रख लेती है, ओके, सो कंज्यूमिंग योर मोर मेमोरी. तो ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इनेबल कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कीप इट डिसेबल. इनबाउंड सॉफ्ट रिकन्फिगरेशन, देखो जब बीजीपी में जब भी आप कोई चेंज करते हैं, दैट चेंज इमीडिएटली इज नॉट इफेक्टेड, बिकॉज़ बीजीपी इज वेरी स्लो प्रोटोकॉल. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीजीपी ने पहला कॉन्सेप्ट यूज किया कि क्या करो भैया, कि जो भी आप चेंज कर रहे हो उसको कर दो क्लियर आईपी बीजीपी स्टार, इसको बोलते हैं हार्ड रीसेट. मैं इसको पोज कर देता हूँ, ऐसे चलता रहेगा. इनेबल, सो नेबर स्पेसिफिक है ये. सो आई नीड टू बी गो टू द बीजीपी प्रोसेस विच इज 27 एड्रेस फैमिली बीपीएन वर्जन 4 यूनिकास्ट रन कर रहा हूँ. नेबर, मेरा नेबर है 7.7. द कमांड आती है सॉफ्ट रिकन्फिगरेशन इनबाउंड, एंड दिस इज यूज बीपीएन v4 नेबर इनसेट इनवैलिड कमांड फॉर द बीपीएन वर्जन 4, यूज रूट रिफ्रेश इंस्टेड, ओके. दैट मीन्स दिस इज नॉट सपोर्टेड विद बीपीएन वर्जन 4 एड्रेस फैमिली, दैट इज ओनली फॉर द आईपी वर्जन 4 एड्रेस फैमिली, दिस कमांड. सो इसने रिमूव ही कर दिया ये फीचर. सो यूज रूट रिफ्रेश ही करा कि यू कैन ओनली यूज रूट रिफ्रेश. रूट रिफ्रेश करेगा, सो ये रूट रिफ्रेश वही काम करेगा, आस्किंग द नेबर अपडेट अगेन, बट जो लोकल रूट है लर्न किए हुए उसको अपने लोकल टेबल में, लोकल मेमोरी में नहीं रखेगा. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल हियर, रूट रिफ्रेश ही करना पड़ेगा. दैट मीन्स यहाँ मैं अगर देखूँ इसको, शो बी जी पी बी पी एन वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल, मैं ये लर्न कर रहा हूँ रूट,
देखो इसने रिसीव किया, सो आरडी एट्रीब्यूट आया, बट इसने क्या किया लोकल, लाइक क्या किया, जो भी रिसीव किए उसको लोकल रूट डिस्टिंग्विशर टेबल में रखा, तो यहाँ पे मेमोरी कंजप्शन हो रहा है. अगर मैं सेम आरडी वैल्यू सेट करता सिमिलर टू दिस, सो वो एक ही आपको टेबल बताता, दो नहीं बताता. ठीक है, तो यहाँ पे आप रूट जो डिस्टिंग्विशर है, दैट इज यू कैन यूज द डिफरेंट वैल्यू, बट रिकमेंडेशन इज कीप इट सेम. जो आपने राउटर वन पे राउटर टू पे रखा वही वैल्यू यहाँ पे रखो फॉर द सेम DRF, सो दैट यू कैन अवॉइड दिस एक्स्ट्रा मेमोरी कंजप्शन. तो इसने क्या किया, रूट रिसीव किए और लोकल RD टेबल में रख लिए फॉर द VRF ABC. ओके, नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो अलग है ना रूट, ये तो मैंने रिसीव किया. दिस इज लाइक डॉट वन क्यू टैग और डॉट वन क्यू, यस डॉट वन क्यू टैग जो आपका VLAN का डॉट वन क्यू टैग होता है. तो टैग तो आया स्विच ने रिसीव रिमूव किया, बट इसके पास तो लोकल टैग भी है अपना RD. उसमें इसने जो भी रूट रिसीव किए थे ये उठाए और लोकल उसमें डाल दिए, लोकल RD टेबल में डाल दिए. इसका अपना जो रूट डिस्टिंग्विशर है वो 27:7 है. अच्छा, तो इसने ये रिसीव किया विद द हेल्प ऑफ MPBGP, रूट लिए और अपने लोकल VRF टेबल में डाल दिए. ये क्यों डाले, क्यों डाले, बिकॉज अगर VRF definition ABC करूँ और no root target address family के अंदर जाना पड़ेगा, no RT 27:2 करूँ, no root target 27:2. ओके, अगर ये एक बार सेट होगी तो फिर पूरा प्रोसेस ही रिमूव करना पड़ता है. दैट इज फाइन. अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन तो आ चुकी है, शो BGP, यहाँ पे मैं देखूँ शो IP राउट VRF ABC, इसके पास ही BGP रूट है, ये वाले प्रीफिक्सेस BGP ने लर्न किए, ठीक है, 1.1 और ये वाला. ओके, तो ये रिसीव कर रहा है बट अभी तक कुछ भेज नहीं रहा, राउटिंग तो होती है बाई डायरेक्शनल. वैसा ही काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, राउटर BGP के अंदर गए, मैंने इसको इनेबल कर दिया क्या, ओके दैट इज ऑन. एड्रेस फैमिली IP version 4 फॉर VRF ABC, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, क्योंकि जो भी इस VRF के अंदर रूट है, ठीक है, और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कर दो. ये काम करने के बाद अब मैक्सिमम जॉब आपकी कंप्लीट हो चुकी है. VPN version 4 ऑल, ये जो इसके दो रूट हैं, ये ओके, दिस इज द लोकल कस्टमर राउट, ठीक है, कौन कौन से, सॉरी 78 और 88. राउटर 7 ये लोकल कस्टमर से लर्न कर रहा है और फिर इनको सेंड कर रहा है. तो यहाँ पे आप इसको प्रीफिक्स को देखें, 8.8 को, शो BGP VPN वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल, प्रीफिक्स नंबर है 8.8. इसके लिए जो लोकल लेवल इसने लगाया है वो लगाया 703. यही लेवल रिमोट साइड में क्या बनेगा, आउट गोइंग लेवल बनेगा, बिकॉज राइट नाइट इज नो लेवल. सो अगर मैं राउटर 2 पे जाऊं और शो BGP VPN वर्जन 4 यूनिकास्ट ऑल, प्रीफिक्स नंबर है 8.8 पे, सो यहाँ पे मैं देखूंगा जो 703 है, दिस इज द आउट गोइंग लेवल. ये मुझे राउटर 7 ने भेजा VPN लेवल. सो नाउ देयर इज अ टू लेवल ऑफ स्टैक,
One is bottom level, which is the BPL level, and the second is the top level, that is your LDP level. Two level of stack in the layer 3 BPN. Same process rehta hai aapka layer 2 BPN mein bhi. Two level of stack. Wahi mere paas root hai ye. Okay. So that means now abhi communication hoga R1 se R8 ke beech mein. So if router 1 want to communicate with 8, is the communication is possible or not? Show IP route. Router 1 ko to kuch pata hi nahi hai. ये तो कस्टमर का रूट है, ठीक है? तो यहाँ पे रीचेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट राउट खींचना है. डॉट 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 0.0.0.172.16.12.2 वैसे ही 8 पे और 8 पे. Okay, so मेरे पास अभी डिफॉल्ट राउट आ गया और यहाँ पे मैं करता हूँ पिंग 172.16.1.1 सोर्स फ्रॉम 8.8. तो मेरे पास रीचेबिलिटी है. अगर मैं यहाँ पे ट्रेस आउट करता हूँ 172.16.1.1 सोर्स फ्रॉम, सो आई विल सी टू लेवल ऑफ स्टैक. Okay, so this one, if you look for the left to right, this is the LDP label, and that one is the BPN version 4 prefix label. Okay, router 2 ne lagaya tha. Kaun si prefix ke liye? 1.1 ke liye. Ye BRF aware prefix hai. Nahi, hamara pehle 8 tha na. Router, हाँ, राउटर 8 ट्रेस कर रहा है, राउटर 8 फॉरवर्डिंग कर रहा है ट्रैफिक टू 1.1. ओके, ठीक है. 5 फर्स्ट होप आपका आया 7, ये गेटवे है इसका, फिर गया ये 5 पे, ठीक है, 5 है, 7 से 5 4 जाएगा, फिर गया ये 4 पे. 4 ने क्या किया, बिकॉज 4 आपका PHP राउटर है फॉर दी PGP नेक्स्ट हॉप IP, तो इसने इस लेबल को एक्सपोज कर दिया, रिमूव कर दिया, पॉप कर दिया. इट ओनली लेफ्ट विद BPN level. BPN level जो expose होगा that is only on the edge router. Okay, and now if I see on router number 2 and there is a table show MPLS forwarding table, ये जो root होते हैं BPN prefixes, this is also identified with V for BPN. Okay, and now there is one more practical here. If I suppose right now, if you see do show run interface loopback 0, right now it is configured with /32. Right. If I say loopback 0 IP address 172.16.2.2, but now the subnet mask is /24. ये क्या करेगा? Let's see the problems here. So 8 पे चलते हैं और first hop पे इसने packet को drop कर दिया है. And this type of problem is very difficult to troubleshoot because ये data plane की problem है. 24 पे क्यों किया उसने? 7.7, हाँ?
ये तो फर्स्ट होप है ना ये. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग लाइक इफ यू नॉट कॉन्फिगरिंग लुक बैक इंटरफेस विद /32 दिस प्रॉब्लम विल कम. नेबरशिप तो सब कुछ कंट्रोल प्लेन सब कुछ बना पड़ा है बट नाउ द कस्टमर इज कंप्लेनिंग दैट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज. प्रॉब्लम इज दैट लुक बैक इंटरफेस इज नॉट कॉन्फिगर्ड विद /32. So this is one of the prerequisite on the provider edge router that the moment you're configuring loopback interface, if the loopback is not configured with /32, there is a data plane problem. And now you can see. ये वो हुआ क्यों मैं अभी सुनने कोशिश कर रहा हूँ. आह हुआ क्यों हाँ. This is the point of research. I'm telling the problem here. Okay. And the the solution is that you must have a /32. 24/32 होता नहीं है. हाँ तो 24 का क्योंकि आप तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना. वो तो आईपी नंबर ही है. लूप बैक एक इटसेल्फ इज ए लिंक है. उस लिंक पे आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बट ये फोर्सफुली इसको बोला हुआ है कि व्हाई डू यू नीड टू बी स्पेंड मोर देन वन आईपी एड्रेस ऑन दैट लूप बैक इंटरफेस. तो ये प्रोग्रामिंग लॉजिक है कुछ विच इज बट फॉर अस that it is the prerequisite that the loopback interface must be /32 on the provider edge. 172.16.2.2 and it should be like this. It will build once again LSP. And it will immediately start processing traffic. सो ये आपका बेसिक लेयर 3 पिन आर्किटेक्चर. सो वेयर वी कैन सी टू लेवल स्टैक. वन इज द बॉटम दिस इज बीपीएन लेवल एंड दैट वन इज द टॉप लेवल. हाँ जब लेटर ऑन जब हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग करेंगे तो इस एलडीपी की जगह आपको टीई लेवल दिखेगा. ट्रैफिक इंजीनियरिंग टेबल विल बी द प्रेफर्ड वन. अगर आपके पास एल डी पी भी है आर एस बी पी भी रन कर रहा है एम पी एल स्कोर आर एस बी पी इज प्रेफर्ड लेवल एज कम्पेरिजन टू द एल डी पी लेवल. एल डी पी वाला जो होता है वो डायनेमिक होता है राइट. ये डायनेमिक है. आर एस बी पी इज मोर स्टैटिक. हाँ जी हाँ जी. आर एस बी पी एल डी पी के थ्रू हम स्टैटिक नहीं कर सकते. एल डी पी आपको एल डी पी क्या है जब हमने कंट्रोल प्लेन बनाया था एल डी पी आपको कंट्रोल नहीं दे रहा जो कि आर एस बी पी दे रहा है. पहला तो ये पहला काम ये क्या कर रहा है कि ये तो जैसे इसके पास प्रीफिक्स आई एल डी पी उसको लेबल लगा रहा है और सबको दे रहा है अनसॉलिसिटेड डाउनस्ट्रीम. तो उसमें कंडीशन लगाई आर एस बी पी में कि किस तरह से काम करना है. तो पहले जब तक उसको रिक्वेस्ट नहीं आएगी अपस्ट्रीम से वो लेबल लगाएगा नहीं लेबल लगा के भेजेगा नहीं. तो वो कंडीशनल पॉलिसी बेस्ड प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया विच इज़ आर एस बी पी. एल डी पी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है. सो कल हम क्या करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल बिटवीन पीई एंड सीई स्पेसिफिकली ओएसपीएफ एंड बीजीपी. अभी हमने स्टैटिक राउट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन किया कि सिंपल स्टैटिक राउट के थ्रू कैसे इंफॉर्मेशन कैरी होती है. कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमें करनी रीडिस्ट्रीब्यूशन ही है प्रोवाइडर एज में बिटवीन वाइस वर्सा प्रोटोकॉल. इसमें कौन सा बोल रहे पी डी वो. हाँ तो आपको मेरे पास जो बुक्स हैं यहाँ पे हैं एक मिनट मैं इसको पोज कर देता हूँ.